हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मेरी इस नए कमाल के वीडियो में। तो आप सभी को आज मैं इस वीडियो में एक हिडन प्लेस दिखाऊंगा जो कि कहेंगे बहुत ही ज्यादा शानदार प्लेस है। मैंने सोचा चलो आज सभी को गोल्फ जो खेल रहे हैं यहाँ पर सुबह सुबह सभी लोग आ गए हैं उनको दिखाता हूँ। दिखाई दे रहा है ये सभी लोग गोल्फ खेलने आए हुए हैं, अगर आपको दिख रहा होगा। और इस साइड भी कहेंगे बहुत बड़ा मैदान है गोल्फ। और ये सामने रही रेलवे क्रॉसिंग जो कि दिलकुशा कोठी को जाती है, तो आप सभी को इस रास्ते से ही आना पड़ेगा। ट्रेन आने का इंतजार हो रहा है हमारा। और कहेंगे आपको देख रहे हैं दिलकुशा का बोर्ड लगा हुआ है, आपको इस रास्ते से जाना है। इस रास्ते से हम जा रहे हैं सीधा, इस इधर से नहीं जाना है, ठीक है? आपको इधर से जाना है। अभी पहुंच चुका हूं दिलकुशा कोठी, चलते हैं अंदर थोड़ी देर के लिए और देख के आते हैं क्या हाल चाल है। बहुत दिनों बाद कहेंगे 6-7 महीने बाद आया जा रहा है यहाँ पर। शांति है, कभी अगर आपका आना हुआ लखनऊ तो हमारे दिलकुशा कोठी में ना जरूर आना आप सभी लोग, क्योंकि ये बहुत ही शांत प्लेस है। और कहेंगे एकदम हरियाली हमेशा बनी रहती है। जरा देख रहे हैं ये काई हरी भरी देखने में बड़ी अच्छी लगती है। और कहा जाए एकदम बहुत पुराने जमाने की कोठी है, आपको मैंने वीडियो बनाया था, अगर नहीं देखा जाके देखो, आई बटन में लिंक दे रहा हूँ। बहुत ही अच्छी तरह से इसको एक्सप्लोर किया है मैंने, सब कुछ हिस्ट्री वगैरह सब कुछ बताई है, तो जाके देखो। जगह पे चलते हैं, ये तो बस वैसे ही घूमते टहलते रास्ते में पड़ा, तो मैं सोचा चलो दिखा देते हैं इसके भी थोड़ा माहौल। बहुत दिनों से आपने वीडियो में नहीं देखे थे, तो चलो चलते हैं वहीं पर। ठीक है, अभी जस्ट बाहर निकल आया हूँ, अब चलते हैं उस लोकेशन पे। और आपको रास्ते में जो यार रोड पड़ेगी ना, एकदम शांत रोड है, उसको जरा व्यू देखिए आप, बड़ा ही खूबसूरत व्यू है। जो व्यू देख रहे हैं पूरी रोड खाली है और चारों तरफ कहेंगे हरियाली हरियाली, फूल पौधे लगे हुए हैं। ये बड़ा ही अच्छी लोकेशन कहेंगे, केंद्रीय विद्यालय मिलेगा यहाँ ना जाती हुई आपको सीधे नहीं जाना है, इस रोड पे जाना है, ठीक है? जो ढलान को जाती है पिपरा घाट के सीधा, उस वाली रोड पे आपको सीधे चलना है। अभी मैं चल ही रहा हूँ कहेंगे। लोग पहुंच गए, कुछ ही दूर अभी बाकी है ना, ये रहा पिपरा घाट। हमको चलना है इसके बाएं तरफ जो कि पुल से चढ़ते हुए चलना है ना। पुल पे बड़ी तेज धूप लग रही है यार, और कहीं हवा भी तेज चल रही है, और पीछे का नज़ारा कुछ इस तरह का रहा है ना। कहेंगे लखनऊ के थोड़ा आउटर में पड़ता है, लेकिन आपको शांति बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। और गोमती नदी का व्यू कुछ इस तरह का रहा यहाँ पर। मैंने यहाँ की वीडियो बनाई, अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो। देखिए इस समय यहाँ का कुछ माहौल इस तरह का रहा,
नदी बड़ी ही पतली हो जाती है यहाँ पर हमारी गोमती नदी, आपको नाला लग रहा होगा, है ना? और अभी मैं पुल पे चल ही रहा हूँ और कहेंगे आपको पुल से सीधा चलना है ना, सो कहेंगे ये है ब्रिज वाला रास्ता और आपको ब्रिज वाले रास्ते जैसे आप लोग आएंगे सीधा रास्ता जाता है जनेश्वर मिश्र पार्क को, वहाँ ना जाते हुए चौराहे से आप दाहिने साइड मुड़ जाइएगा, हम लोग को इस रास्ते पे चलना है। ठीक है, थैंक यू भैया। तो भैया से मैंने अभी जस्ट लोकेशन पूछी क्योंकि यार मैं कंफ्यूज हो गया था यार किस साइड है, क्योंकि मैं अभी कभी इस रोड पे नहीं आया हूँ, है ना। ये जो आपको रोड दिख रही है जनेश्वर के साइड वाली रोड है जो एकदम लंबी चौड़ी दिखती नहीं, अगर आप लोग मैप देखे हों जनेश्वर का, किनारे से एक कर्व टाइप की रोड निकली होगी, तो यही बहुत बहुत बड़ी लंबी रोड है कहेंगे। फाइनली गाइज उस हिडन लोकेशन में पहुंच चुका हूं जो कि आप सभी को आज मैं दिखाने वाला हूं। कहेंगे बड़ी ही मशक्कत के बाद 3-4 किलोमीटर आप सभी लोगों के लिए आज मैंने साइकिल चलाई, कहेंगे वो भी दूरते दूरते आया हूं कहेंगे, बट डाउट में था, कभी आया नहीं था इस लोकेशन पे, और मैं भी अगर आप सभी को होपफुली मुझे लग रहा है डाउट होगा क्योंकि ये एक ऐसी लोकेशन है आई थिंक मुझे लगता है अभी तक किसी भी आदमी ने वीडियो नहीं बनाया है, और आप सभी लोग के लिए मैं फर्स्ट पर्सन हूँ एज ए जो कि वीडियो यहाँ की बना रहा हूँ। और ये गूगल लोकेशन पे बाइकर बियर पॉइंट के नाम से मतलब कि रजिस्टर्ड है, तो जाके सर्च मार के देख सकते हैं, वरना आप सभी को आज मैं पूरा इसका टूर कराने वाला हूँ, क्या क्या सारी चीजें यहाँ देखने को मिलेगी, और बाइकर्स और जो साइकिलिस्ट हैं सुबह सुबह यहाँ पर आके कहीं अपना एकदम से मूड फ्रेश कर सकते हैं, फैमिली के साथ आके हैंग आउट कर सकते हैं, और यहाँ बहुत सारे सर्कल बने हुए, इसका मतलब क्या है और आपको चल के अभी पूरा दिखाता हूँ हिडन लोकेशन यहाँ पर क्या क्या आप सभी को देखने को मिलेगा अगर आप सभी लोग यहाँ पर आते हैं। एक ब्रिज है जो कि आई थिंक कंट्रोल करता है वाटर को हमारी गोमती नदी की, और यहाँ पर कहेंगे बहुत सारे सर्कल बने हुए हैं, है ना, तो सर्कल बने हुए हैं इसका मतलब क्या है, आई थिंक ये जो आप सभी सर्कल देख रहे हैं ये एक बाइकर पॉइंट है जहाँ पर सभी लोग अपने लखनऊ के जितने बाइकर हैं आ सकते हैं, कहीं के भी अगर बाइकर हैं तो यहाँ पर एक बार जरूर आप सभी मीटअप जरूर करिएगा, क्योंकि एक ऐसा बाइकर पॉइंट मेरे ख्याल से पहला बाइकर पॉइंट है हमारे लखनऊ में जो कि इस तरह बनाया गया है इस लोकेशन में, क्योंकि देखो बाइकर पॉइंट इसलिए बनाया गया आई थिंक जो बहुत ही लंबी रोड है ना एकदम सन्नाटे वाली है, आप सभी लोग चला के आके यहाँ पर रश कर सकते हैं। और जरा देखें सर्कल कुछ इस तरह का बना हुआ है, नीले पीले हरे नीले, नहीं नहीं दो ही कलर हैं, एक तो पीला है फिर लाल है, है ना, और सर्कल किया गया है वाइट कलर से, तो देख रहे हैं बहुत सारे लोग आके यहाँ पर रुकते हैं और कुछ देर रश करते हैं फिर जाते हैं, और 2-3 लोग की यहाँ पर कहेंगे कार भी खड़ी हुई है, तो ये कुछ यहाँ का सीन है, है ना, तो चलते हैं अंदर आपको और दिखाते हैं कुछ। यहाँ से हमारा आई थिंक स्टेडियम दिखता है, वो रहा हमारा स्टेडियम जो कि इकाना स्टेडियम है, देख सकते हैं यहाँ पर, और ये ज़रा देखें पूरी साइड में पूरी बिल्डिंग दिखे, जंगल पूरा दिख रहा है, अभी आपको ऊपर चल के दिखाता हूँ। देखें ये ब्रिज है हमारा, ऊपर कुछ इस तरह दिख रहा है, ये यहाँ से कुछ इस तरह का सीन है, और पानी ही बड़ा झन्नाटेदार गिर रहा है, ज़रा दिखाता हूँ आपको। ऐसी लोकेशन लखनऊ में सोची थी आप सभी लोगों ने कभी? देख रहे हैं क्या नज़ारा है यहाँ का, बड़ी ही खूबसूरत नज़ारा है, और आप सभी लोग सुबह के टाइम में आएंगे ना बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चलेगी यहाँ पर, और कहा जाए यार मुझे सोच सोच के हंसी आ रही थी, यहाँ पर जो गूगल मैप पे जिसने लोकेशन लिख रखी है बाइकर बियर पॉइंट, तो यार कहेंगे यार बाइकर बियर पॉइंट किस मकसद से उसने लिखा, आई थिंक इसके नाम से तो पता लग रहा है भाई जितने बाइकर हैं सब लोग यहाँ पर बियर लेकर आएंगे और पियेंगे। और
पता नहीं यार ऐसा होता है कैसा होता है मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पर कहेंगे एक्चुअल में बियर के कुछ कैन यहाँ पर पड़े हुए हैं, मैं दिखाता हूँ आप सभी को हैं, और कहेंगे यार बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा है और सनसेट के टाइम तो आई थिंक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होने वाला है यहाँ पर। और इस हिडन लोकेशन को आपका भाई सबसे पहले दिखाया है, तो अगर आप लोग नहीं जानते थे इसके लिए एक सबसे पहले लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नए आए हो, ठीक है, और वीडियो को जरूर शेयर कर देना क्योंकि बनाने में इसको बहुत मेहनत लगी है। मैंने एक हिडन लोकेशन आप सभी को आज रिवील कर दिया है लखनऊ, ठीक है, और चलता हूँ आप सभी को और बहुत सारी चीज़ें भी दिखाने। वाटर कंट्रोलिंग सिस्टम है जो कि यहाँ पे लपेट दिया जाता है, और देखिए ज़रा गोमती नदी की यानी को यहाँ से नहीं गुजरने दिया जा रहा है, थोड़ा पानी यहाँ पर झाग बनी है जो कि गंदगी जितनी होती सारी इकट्ठा हो जाती है, यहाँ से पूरा फिल्टर होके हमारा पानी चला जाता है, कुछ इस तरह से ऊपर है देख सकते हैं आप सभी लोग। यहाँ पर ये भी बना हुआ है, दो चार टोटल सर्कल में पूरा बना हुआ है, और कहीं यहाँ से क्या दिखता है देखते हैं, यहाँ पर कुछ इस तरह से सिस्टम है पूरा, और ज़रा देखें बड़ी ही शानदार हवा चल रही है यार यहाँ पर। और यार इस लोकेशन पे आके मज़ा आ गया, देख रहे हैं सबसे ऊंचाई पे अभी मैं खड़ा हूँ, लखनऊ की सबसे हिडन लोकेशन मैंने आप सभी को आज दिखाई है, किसी ने भी आज तक यहाँ की वीडियो नहीं बनाई है, देखें ज़रा यहाँ पर फोटोशूट आप सभी लोग कर सकते हैं और कहीं आके चिल आउट कर सकते हैं, बाइकर बियर पॉइंट है यहाँ पर। अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और आप सभी को होपफुली हो सके सुबह जल्दी आ जाएं, क्योंकि यहाँ पर एकदम सुबह सुबह बहुत तेज़ धूप पड़ जाती है, ज़्यादा लेट ना करिएगा, और शाम के टाइम सबसे बेस्ट टाइम में सनसेट हो रहा होगा और यहाँ से सनसेट एकदम बेहतरीन दिखेगा, लखनऊ का सबसे खूबसूरत सनसेट यहाँ से आई थिंक दिखने वाला, क्योंकि ये जगह ना बड़ी ऊँचाई भी बनी हुई है, और कहा जाए इस जगह के नाम पर यार आप सभी लोग थोड़ा डिस्कस करके कमेंट करना, और इस जगह पे अगर आप सभी नहीं पहुंच पा रहे हैं कमेंट कर देना इंस्टाग्राम पे मुझे क्या बोलते हैं मैसेज कर देना, फॉलो नहीं किया तो जाके फॉलो कर लो, मेरी आईडी नीचे ब्लिंक कर रही होगी, और कहेंगे मैसेज कर देना मैं पूरी आपको डिटेल बता दूँ कैसे आप सभी को आना है, वरना मैं ऐसा कोई डाउट छोड़ूंगा ही नहीं कि आपको डाउट रहे जिससे कि आप सभी यहाँ पर ना पहुँच पाए, लखनऊ की थोड़ा आउटर में पड़ता है लेकिन आपका यहाँ पर आना वर्थ इट रहेगा, आप सभी लोग लखनऊ में कहीं भी रह रहे हैं बाइकर हैं साइकिलिस्ट हैं तो कभी ना कभी यहाँ पर लखनऊ में इस जगह को जरूर विजिट करिएगा, है ना, बहुत ही अच्छी प्लेस है, और होपफुली आप सभी लोगों ने यहाँ तक वीडियो देख लिया होगा, और कहेंगे सबसे हिडन लोकेशन आप सभी लोग के सामने मैंने रिवील कर दी, ये रहा वो ब्रिज, इस पॉइंट को कहते हैं बाइकर बियर पॉइंट, तो कहेंगे यार अगर किसी को भी पता है बाइकर बियर पॉइंट किस लिए नाम रखा है तो जरूर कमेंट कर देना, अगर इस लोकेशन पे आने में दिक्कत हो रही है कमेंट कर देना, मैं पूरी आपको लोकेशन बता दूं कैसे क्या है, ठीक है, तो अगर आप सभी को ये हिडन लोकेशन पसंद आई हो, नए आए हो चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो में एक नए हिडन लोकेशन के साथ एक नए वीडियो के साथ एक नए फूड के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मेरी वीडियो देखते रहें, जय हिंद जय भारत।